ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की बाराबंकी जनपद की तस्वीरें हैं, जहां पर नव भारतीय किसान संगठन के प्रदेश कार्यालय पर आज बैठक की गई, जिसमें बाराबंकी जनपद के जिलाध्यक्ष सुहेब रैन की अध्यक्षता में कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया और इस दौरान मौके पर पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला का भी जोर शोरों से स्वागत किया गया। कार्यक्रम चले बैठिया में, किसानों को प्रॉब्लम ज्यादा चल रही है, इसमें कई दिनों से किसानों का हमारे जो है वहाँ पे फोन आ रहा था, तो ही रुपैदिया जा करके वहाँ कुछ किसानों की समस्याएं जो कि प्रशासन के मिले जुले में सैकड़ों गरीब मजदूरों के मकान गिराए जा रहे हैं प्रधान और वहाँ के प्रशासन के, उसमें कि जो कि सरकार ने कॉलोनियाँ दिया, कॉलोनियाँ गिरवाई जा रही हैं। आज सरकार कहती है कि ये ग्राम समाज में है, ग्राम समाज में तो सरकार का पैसा क्यों बर्बाद किया किसानों को कॉलोनी दी। तो वही वहाँ हमारी एक कार्यक्रम जो है रुपैदिया में है, तो वही जाना था, तो सुहेब रैन जी से पता हुई, सोरेन जी ने कहा कि यहाँ पर पदाधिकारियों में भी बैठक तो हमका बहुत जरूरी है। विस्तार को लेकर के भी कुछ चर्चाएं की गई, संगठन का विस्तार नव भारतीय किसान संगठन का पूरे देश में बहुत तेजी से विस्तार चल रहा है और हमारे बाराबंकी में भी सोरेन रैन जी एक शेरों में से नहीं एक बबर शेर हैं, जिस दिन से बाराबंकी की कमान संभाली है बबर शेर की तरीके से दहाड़ बाराबंकी जिले में लगा रहे हैं, इससे नव भारतीय किसान संगठन परिवार भाई सोहेब रैन जी का बहुत आभारी है कि इस परिवार को मजबूत करने का बढ़ाने का कार्य बाराबंकी जिले में सोहेब रैन जी कर रहे हैं और साथ में कंधे से कंधा मिला करके यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं उनका भी मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि सब एक कंधे से कंधा मिला करके नव भारतीय किसान संगठन परिवार को मजबूत करने को जितनी कर्मठता से लड़ने का कार्य कर रही है नव भारतीय किसान संगठन के पदाधिकारी, इनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरीके से नव भारतीय किसान संगठन को आगे मजबूती से लड़ता है, जो कि ये कोरोना जैसी महामारी इसका जब ये खत्म हो, धारा 140 खत्म हो, तो नव भारतीय किसान संगठन एक बहुत बड़ा आंदोलन सरकार से, जो कि किसानों को, ये किसान विरोधी सरकार है, जुमलेबाज सरकार है, तानाशाह सरकार है, किसानों को कुछ देने वाली तो है नहीं, किसानों से छीनने का काम सरकार कर रही है, इस पर नव भारतीय किसान संगठन पूरे देश में ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक माध्यम से सरकार से लड़ रही है, ज्ञापन के माध्यम से सरकार से अवगत कराया जाए, लेकिन सरकार गूंगी बहरी सरकार है ये। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला की बातें सुनकर क्या पूरा मांझा समझिए होंगे, इसी के साथ साथ जिला अध्यक्ष सुहेब रैन ने क्या कहा उनकी बातें भी आप सुन लीजिए। जी बहुत ही संघर्षशील नेता है, जो हम लोगों को इसी चीज का एक हौसला दिलाते हैं, हम जो ये लड़ाई लड़ते हैं अपने जनपद में इन्हीं की बदौलत लड़ते हैं, जो हमारे ऊपर के पदाधिकारी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला जी भी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीत बहादुर यादव जी भी हैं, जो चल करके हमारे विनय सिंह साहब हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हमारे बीच आए हैं वहाँ से, और यहाँ तक के इनकी एक लगन एक मेहनत देखिए कि कोई भी संगठन का हम ये नहीं देखते हैं कि वहाँ जनपद बहराइच जा करके नेपाल और रुपहेडिया तक की लड़ाई लड़े संगठनों की, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जा रहे हैं लखनऊ जनपद से चल करके रुपहेडिया, कुछ किसानों की समस्याएं हैं, कुछ मजलूमों और मजदूरों की समस्याएं हैं, उनको लेकर के उन पर अत्याचार किया जा रहा है, वहां जिला प्रशासन से बैठ के बात करेंगे, नहीं बनेगा तो वहीं पर ये मतलब अपना कार्यक्रम लगा करके धरना भी मतलब कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।